वेलकम टू माई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लॉगरिथम्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट 1, 232.92। 232.92 can be rounded off as 232.9. अब आप देखें इसमें पॉइंट से पहले जो आपके पास डिजिट्स हैं वो हैं 3। इन 3 डिजिट से आप 1 को माइनस कर दें तो आपके पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, दैट विल बी 2। और इसके बाद आप लॉग के टेबल से 23 में से आप रो में जाएंगे कॉलम 2, और उसका जो नेक्स्ट डिफरेंस दिया गया है 1 से लेके 9 तक, 9 के नीचे की वैल्यूज को आप लेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने इसका वर्किंग ये आपके लिए लिख दिया है। 23 की रो में जाएंगे, 2 का वैल्यू लेंगे विच विल बी 3655, और इसी रो में डिफरेंस वाले कॉलम में 9 के नीचे की वैल्यू लेंगे, दैट इज 17, और 3655 में आप 17 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 3672। अब इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉग। ये देखें 3 डिजिट से हमने इसमें से 1 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 2.3672। अब इस लॉग का वैल्यू जो है लॉग 232.92 इज इक्वल टू 2.3692। पार्ट 2, 29.326। 29.326 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 29.33। अब देखें पॉइंट से पहले आपके पास 2 डिजिट हैं, उनमें से 1 माइनस कर देंगे तो 2 - 1 द आंसर इज 1, द करैक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज 1। और उसके बाद 29, आप 29 का लॉग की टेबल से वैल्यू देखेंगे और उसके सामने 3 का डिफरेंस लेंगे। 29 के सामने 3 का वैल्यू 4669 है और उसका 3 में डिफरेंस इज 4। इन दोनों को सम अप करेंगे, द आंसर विल बी 4673। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 1.44673। पार्ट 3, 0.00032। अब देखें ये 3 तक अगर इसको काउंट करें तो ये 4 डिजिट्स बनते हैं, तो करैक्टरिस्टिक इज -4 और इसमें हम -1 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -5। अब हमने 32, ये जो 32 है इसके साथ नेक्स्ट जो 00 हम लगाएंगे, 32 का 0 में देखेंगे इसका आंसर क्या है। 32 के बिल्कुल इमीडिएट साथ वाली वैल्यू 0 की 5051 है। अब हमने क्योंकि ये -5 हम करैक्टरिस्टिक फाइंड कर चुके हैं, -5.5051 इज द आंसर। 0.3206। अब यहां देखें ये आपके पास 32 के आप रो में जाएंगे, 0 का आंसर आपके पास मिलेगा 5051 और 6 इसका डिफरेंस देखेंगे, दैट इज 8, और 5059 इज द आंसर। और ये 0 पे है इसका पॉइंट तो इसमें -1 हम लगाते हैं तो माइनस इसका आंसर के साथ आएगा। इसको बार कहते हैं बेसिकली, 1 के ऊपर लिखा जाता है लेकिन मैंने इसको शो कर दिया है, 1 बार कह लें या -1 कह लें, बार दोनों सूरतों में एक ही है। 1 यानी कि इसको पढ़ेंगे 1 बार 0.5059। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 31.09 का जो लॉग में वैल्यू है दैट इज गिवन 4926। अभी आपने इसको एक्सप्रेस करना है कि इफ कहता है इफ इन लॉग 3.109 का क्या आंसर होगा। देखिए वन ये वन तक है आपका पॉइंट से पहले वन डिजिट है इसमें से वन माइनस करेंगे तो आंसर इज जीरो। तो इसको सिंपल हम लिख देंगे करेक्ट वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 0.4926 विल बी द आंसर। पार्ट टू में लॉग 310.9 अब देखिए पॉइंट से पहले थ्री डिजिट है वन आप माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा टू। सिंपल इसका आंसर लिख देंगे आप 2.4926 गिवन है इन द क्वेश्चन तो आपने इसका लॉग में वैल्यूज नहीं देखना बस डायरेक्ट इसका आंसर दे देना है 2.4926 इज द आंसर। पार्ट थ्री लॉग 0.003109 अब ये थ्री डिजिट्स हैं थ्री डिजिट में से हम करेंगे माइनस वन तो ये होगा आपके पास माइनस फोर और आंसर में भी ये आप लिखेंगे माइनस 4.4926। ये बार भी लिखा जाता है इसको बार भी कहते हैं अगर आप ये टॉप पे आता है ये बिल्कुल हेड के ऊपर फोर के हेड के ऊपर लिखा जाता है यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में शायद मसला है तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यहाँ इसके साथ शो कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास लॉग 0.3109 अब ये जीरो पे पॉइंट है इसमें से आप जब माइनस वन करते हैं तो हमें मिलेगा ये माइनस वन और आंसर में आप इसका माइनस वन के साथ शो कर देंगे वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है गिवन है इन द क्वेश्चन 4926 माइनस इसको बार भी कहेंगे बार कह लें या इसको आप माइनस वन कह लें दोनों सूरतों में एक ही बात है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन वन और टू इसमें कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे कमेंट करें मेरे वीडियोस पे कमेंट करें। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए दैट इज़ 03215838264। थैंक यू वेरी मच।